हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनी रेसिपी। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ लंच बॉक्स रेसिपी। ये बच्चों के लिए है लेकिन बड़े भी इसे अपने लंच बॉक्स में आराम से लेकर जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए ताकि आपको मेरे नए वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सुबह अगर लंच बॉक्स में बच्चों को पाव भाजी देनी है तो उसकी तैयारी हमें रात में ही थोड़ी बहुत कर लेनी चाहिए। जैसे कि ये सब्जियां जिसमें गाजर, गोभी और आलू हैं, हमने रात में इसको उबाल कर रख दिया है। तो सबसे पहले इन सब्जियों को हम मसल लेते हैं। अगर रात में अगर इसको आप उबाल कर रख दें और सुबह इसको जल्दी से मसल लें तो मॉर्निंग में आपकी पाव भाजी और भी जल्दी बनेगी। इसको हमने अच्छे से मसल लिया है, अब चलिए जल्दी से हम पाव भाजी बना लेते हैं। पैन में हमने 2 बड़ा चम्मच तेल गरम कर लिया है। अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को हल्का कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज का हल्का कलर चेंज हो गया है, अब इसमें हम थोड़ा मटर डाल देंगे। आधी कटी हुई शिमला मिर्च भी डाल देंगे। अब इनको थोड़ी देर तक यानी 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। मटर का सीजन है इसलिए हमने इसमें फ्रेश मटर डाला है। तो मटर और कैप्सिकम हल्के से फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसका कच्चापन निकल जाने तक इसको हम फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई हो चुका है, अब इसमें 1 कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। इसमें थोड़ा नमक डाल देंगे ताकि टमाटर और बाकी चीजें भी जल्दी से गल जाए। टमाटर लगभग गल चुके हैं, अब इसमें सूखे मसाले डाल देते हैं। आधी छोटी चम्मच में हम जीरा पाउडर डाल देंगे। आधी छोटी चम्मच इसमें हम धनिया पाउडर भी डाल देंगे और आधी चम्मच इसमें हम हल्दी डालेंगे। 1 छोटी चम्मच हम लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल देंगे। अब सारे सूखे मसालों को हम आधे मिनट तक धीमी आंच पर फ्राई कर लेंगे। तो सारे मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें 1 छोटी चम्मच हम अमचूर पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच इसमें हम पाव भाजी का मसाला भी डाल देंगे। तो सारे सूखे मसाले हमने डाल दिए हैं, अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सूखे मसालों को भूनते वक्त अगर जरूरत पड़े थोड़ा थोड़ा पानी भी हम डालेंगे ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं और जले भी नहीं। पानी डालते हुए हमने इसको 1-2 मिनट फ्राई किया है। अब हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं, अब इसमें मैश किया हुआ जो आलू और सब्जियां हमने रखी थी उसे हम डाल देंगे। अब सब्जियों को मसाले के साथ अच्छे से मिला लेंगे। अगर बच्चों के लंच बॉक्स में इसको पैक करना है तो पानी बिल्कुल अंदाज से डालें, काफी ज्यादा ये पतला नहीं होना चाहिए। ऊपर से थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे। तो भाजी में हमने थोड़ा पानी डाल के इसको एडजस्ट कर लिया है, अब इसके क्वांटिटी के हिसाब से इसमें हम नमक डाल लेंगे। हरा धनिया हमने इसमें मिक्स कर लिया है, अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और इसको भी मिला लेंगे। और सबसे लास्ट में इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बटर, क्योंकि बटर डाले बिना पाव भाजी की रेसिपी अधूरी सी लगती है, तो थोड़ा हम बटर डाल देंगे। तो बटर को डालने के बाद हमारी भाजी बिल्कुल बन चुकी है। तो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए एकदम परफेक्ट है। इसे ज्यादा पतली बनाएंगे तो लंच बॉक्स में रखने में दिक्कत होगी। पैन को हमने दोबारा से गर्म कर लिया है, अब हमें पाव सेकना है। तो इसके लिए हमने इसमें थोड़ा बटर डाल दिया है और बटर के अंदर हम थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे और अच्छे से इसको पूरे पैन में लगा लेंगे। तो पाव को पलटते हुए चारों तरफ से हम अच्छे से सेक लेंगे। थोड़ा बटर हम ऊपर से भी लगा लेंगे और इसको अच्छे से घुमाते हुए सेक लेंगे। दोबारा से इसमें हम थोड़ा बटर डालेंगे। तो देखिए हमारा पाव बिल्कुल अच्छे से सेक गया है। अब पाव को हम बाहर निकाल लेते हैं। बच्चों की लंच बॉक्स वाली पाव भाजी हमारी बनकर रेडी है, लेकिन अगर हम इसे घर में खा रहे हैं तो लास्ट में एक फाइनल तड़का इसमें देंगे। तो इसके लिए हम वापस से पैन में थोड़ा बटर डाल देंगे। बटर में हम 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे और इससे बाजार वाला लुक इसमें आ जाएगा। अब इसमें हम भाजी डाल देंगे और हाई फ्लेम पे हम 1 मिनट तक इसको पका लेंगे। अगर आपको गाढ़ी भाजी चाहिए तो ऐसे ही सर्व करें, नहीं तो अगर पतली चाहिए तो थोड़ा पानी डालकर 1 मिनट के लिए इसको पका लें। थोड़ा धनिया हम ऊपर से डाल देंगे।
तो इस तरह से लंच बॉक्स पाव भाजी के साथ साथ हमारे घर में भी खाने वाली पाव भाजी की रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, लंच बॉक्स वाली ये पाव भाजी रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।